हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। आज मैं आप सभी के साथ एक न्यू लूसा का फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, मैं आप सभी के लिए न्यू फैन फिक्शन ले आई हूँ जिसपे है मेन लीड में हमारी लुओ और साओ। हमारी लुओ और साओ को तो आप सभी जरूर पहचानते होंगे। हाँ, ये मैंने लाया है मेरी फेवरेट वेंजो वर्ल्ड के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है। और हाँ, इसके बारे में कुछ डिटेल बता दूँ दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में कि पहला तो ये स्टोरी थोड़ी कॉमेडियन रहेगी, ज़्यादा सैड नहीं रहेंगी। और ऐसा तो ही नहीं सकता कि शिवांगी कभी भी सैडनेस ना डाले। शिवांगी सैडनेस डालेंगी ज़रूर, पर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगेगी मैं सिर्फ उसी जगह पर ही सैडनेस सीन यूज़ करूँगी, पर आपको थोड़े हैप्पी हैप्पी सीन्स मिलेंगे, कॉमेडी भी मिलेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मतलब मैं इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। पर खैर, ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए मैं आपको कहानी में आगे ले चलती हूँ। और इस फैन फिक्शन का नेम है नोट्स फ्रॉम लव। और हाँ, मैं बता दूँ कि मैं इसमें कुछ डिटेल्स यूज़ करने वाली हूँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ जो कि मैं अपने तरफ से रखना चाहती थी। और जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें चाहिए रहेगा या नहीं चाहिए रहेगा। वो बस मेरी फिक्शन रहेंगी कि मैं क्या डालना चाह रही हूँ और क्या डालना नहीं चाह रही हूँ। तो खैर, हम कहानी में आगे आते हैं। हमें कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अभी रेड चेक्स वाली स्कर्ट और वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। अभी वो लड़की चलते हुए सामने से आ रही थी। उसके पैर थाई साफ साफ दिख रहे थे और इस लड़की के आसपास बहुत सारे लड़के लड़की थे जो इसे देखे जा रहे थे। ये एक हाई स्कूल है और ये यहाँ जितने भी लड़के लड़की हैं वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। अभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की चलते हुए अपने क्लास में आती है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। अभी क्लास स्टार्ट ही हुई थी, सारे बच्चे आने लगते हैं। अभी सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ गए थे। अभी ये जो लड़की थी इसकी सीट पर एक लड़का आकर बैठ जाता है, मतलब हर सीट में दो 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 लोग बैठ सकते थे। वो उस लड़की के कंधों पर हाथ रख कर कहता है, और साहु क्या बात है, दिन ब दिन तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो, क्या बात है, क्या कहीं ये असर उनका तो नहीं जिनके तुम प्यार में पड़ गई हो। तो ये है हमारी साओ, कहानी की फर्स्ट मेन लीड। अब साओ उस लड़के को अपनी ओर खींचकर थोड़ा नीचे करती है, फिर उसके सिर पर हल्का सा मार कर कहती है, अरे फई थोड़ा धीरे बोलो, कहीं कोई और सुना तो। फई अपने सर को पकड़ते हुए, आह अरे तो ये तुम मुझे ऐसे भी बोल सकती थी ना, सर पर मारने की क्या ज़रूरत थी। अभी सारे बच्चे हल्ला कर रहे थे, पूरी क्लास में शोर हो रहा था। अब क्लास में एक लेडी की एंट्री होती है जिसने ब्लैक स्कर्ट पहन रखी थी जो कि उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। साथ ही उसने रेड कलर की शर्ट पहन रखी थी जिस पर से उसकी बिल्कुल ही हल्की सी क्लीवेज दिख रही थी। जैसे ही ये अंदर आती है क्लास ऐसे शांत हो जाती है जैसे कभी कोई शोर हुआ ही ना हो। अब वो लेडी बोर्ड के पास जाती है और बोर्ड के पास जाते ही पलट जाती है, और जैसे ही वो पलट रही थी सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही गुड मॉर्निंग मिस कियान। ये है हमारी कियान, मतलब किन कियान लियो, जिसे मैं कियान कहूँगी। कियान सभी बच्चों से वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अब सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और अब कियान वापस बोर्ड की ओर मुड़ती है। फिर दिन तारीख और सन लिखती, लाइक हर एक बोर्ड में लिखा जाता है जो कि, तो वो लिखती है।
फिर कहती है, मतलब वो कहते हुए मुड़ रही है अभी, अच्छा बच्चों आज मैं अपनी बुक लाना भूल गई हूँ जिससे मैं तुम्हें पढ़ाने वाली थी, तो क्या आज तुम में से कोई भी मुझे अपनी बुक दे सकता है? जैसे ही क्यान पीछे मुड़ती है बच्चे की ओर, वो देखती है साव खरी है और फई उसे खींच रहा है, मतलब हमारी साव जो खरी थी वो खरी ही रह गई थी, वो बैठी नहीं थी, वो उसे खींच रहा था बैठने के लिए, और साव को पूरा फोकस, हमारी साव का पूरा फोकस था मिस क्यान पर। अभी क्यान ये देखती है तो कहती है साव, फई तुरंत ही साव का हाथ छोड़ देता है। साव कहती है जी मिस, क्यान कहती है तो आज मुझे बुक तुम दोगी? साव जी मिस, साव ऐसा कहते ही तुरंत ही सीट पर बैठ जाती है और बुक निकालती हैं। अब साव बुक निकाल रही थी तभी फई धीरे से कहता है वाह क्या बात है, आज तुम्हारे बुक को तुम्हारी मिस क्यान छूने वाली है। साव फई की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। अब साव अपनी सीट से उठती है और जाकर बुक क्यान को दे देती है। क्यान बुक लेते ही थैंक यू मिस ब्यूटीफुल, साव की तो जैसे सांस ही थम गई थी, और क्यान ने साव को ब्यूटीफुल कहा था तो ये पूरी क्लास ने सुन लिया था, साव तो जैसे रुक सी गई थी। फिर साव होश में आती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। साव की सीट पर बैठते ही फई धीरे से बोलते हैं ओह हो थैंक यू ब्यूटीफुल, साव के गाल बिल्कुल ही लाल टमाटर के जैसे हो जाते हैं, और इससे हमें समझ आता है हमारी साव मिस क्यान को पसंद करती हैं। अब क्लास शुरू हो जाती है और मिस क्यान क्लास ले रही होती है। अब सीन कट होता है, हमें कैंटीन एरिया को दिखाया जाता है जहां हमारी साव और फई फ्राइड राइस और आमलेट लेकर खा रहे थे। अब जब ये दोनों खा ही रहे थे तभी दोनों बातें कर रहे थे। अब इसी वक्त पर यहाँ से मिस क्यान जा रही थी, क्यान को देखते ही फई ओ ब्यूटीफुल तुम्हारी मिस जा रही है, साव फई से फई चुप हो जाओ। अब अचानक से यहाँ एक स्कूल का स्टाफ मेंबर आता है, और आते ही मतलब वो आता है और जितने भी बच्चे थे अपना खाना खा रहे थे सभी से कहता है, लंच के बाद सभी को प्रिंसिपल चौंग ने अपनी केबिन के पास जो हॉल है वहाँ बुलाया है। वो स्टाफ मेंबर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सभी बच्चे आपस में गॉसिप्स करने लग जाते हैं, अब क्या होने वाला है, प्रिंसिपल क्या करने वाले हैं। फई और साव भी आपस में बातें कर रहे थे। अब साव लंच कर लेते हैं, मतलब हमारी साव और फई और बाकी लोग भी लंच कर लेते हैं और एक साथ जिस हॉल में बुलाया गया था वहीं पहुंच जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे सर मैम थे और यहाँ का प्रिंसिपल था हमारा गौ चौंग, जिसे मैं प्रिंसिपल चौंग कहूँगी। साथ ही यहाँ पर मिस क्यान भी थी और हमारी सौ वो तो बस क्यान की ओर देखी जा रही थी। प्रिंसिपल चौंग बातें कर रहे थे, सभी बच्चे उनकी बातें सुन रहे थे, पर हमारी साव तो जैसे उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहती हूँ। फई साव के थोड़ा सा मतलब साव को थोड़ा सा चिमटी काटता है और कहता है अरे ओ मिस की दीवानी, उन्हें बाद में देखना, पहले प्रिंसिपल की बातें तो सुन लो। अब साव क्यान पर से अपनी नज़रें हटाकर प्रिंसिपल चौंग की ओर बातें सुनने पर मतलब उसकी बातों पर ध्यान देती हैं। अब प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों जैसे कि तुम सभी बच्चे जान अपने कुछ सामान लाते हो जिन्हें तुम क्लास के अंदर नहीं ला सकते, इसको इसलिए मैंने एक लॉकर रूम बनवाया है जहां तुम बच्चों एक साथ एक एक करके अपने सभी सामान रख सकते हो, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सामान है वो उसको रखने के लिए बोलता है और कहता है कि चाबी दे दी जाएंगी और तुम सब उसे लेकर अपने मतलब लॉकर को अपना तुम ये कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो करके वो बताता है। अभी जितने भी बच्चे थे वो खुश हो जाते हैं और आकर अपनी चाबी लेने की बात करते हैं, मतलब उन लोग चाहते कि उन लोग चाबी लें। और ये जो जितने भी है ये हाई स्कूल के बच्चे वो 16 से 17 साल के ही हैं, और चाबी पर लॉकर का नंबर लिखा हुआ था।
मतलब कि जो चाबी रहेंगी, चाबी और लॉकर का नंबर सेम रहेगा, जिससे समझ में आएगा कि सेम ही है करके। मतलब वो रहता है ना कि नंबर एक जैसे रहते हैं, जिस वजह से ताला और चाबी खोजने में आसानी होती है, लॉकर और चाबी एक साथ जो आसानी होगा, इसलिए वो लोग वैसे ही रखे रहते हैं। अब हम ये हमारे फई को भी बताया जाता है, जो कि अपना चाबी ले ही रहा था, मतलब वो लगभग ले ही लेता, उसके हाथ में चाबी आ ही जाती है, तभी वहाँ साव भी आती है और चाबी ले रही होती है। तभी जस्ट उस जगह पे एक लड़का जल्दबाजी में आता है और उस लड़के की जल्दबाजी के चक्कर में वो साव से टकरा जाता है। फई ये देखता है तो कहता है, अरे तुम देख नहीं सकते, इतनी जल्दबाजी क्या है तुम्हें। अब वो लड़का पलट जाता है और कहता है, अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं गलती से टकराया तो मैं अंधा हो गया। फई कहता है, मैंने तुम्हें अंधा कब कहा। वो लड़का बहस करने लग जाता है और कहता है, तुमने कहा ना तुम देख नहीं सकते, मतलब तुमने मुझे अंधा कहा। और ये लड़का लगभग बहस ही किया जा रहा था, फई को भी पता नहीं क्या हो गया था, वो बिल्कुल ही स्टक सा उसे लड़के की ओर देखा जा रहा था, उसके मतलब फेस को ही देखा जा रहा था और वो लड़का बोला ही जा रहा था। अब उसी वक्त पर यहाँ एक लड़की आती है जो कहती है, बस करो लवलेस, हर किसी से तुम झगड़ पड़ते हो। तो ये है हमारा अपना लवलेस। लवलेस उस लड़की से कहता है, लो मैं झगड़ा नहीं कर रहा, शुरुआत इसने की है। तो ये है अपनी ख्यान लो हान, जिसे मैं लो कहूँगी, स्टोरी की दूसरी मेन लीड। लो कहती है, लवलेस तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, बात का बतंगर तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, चलो जल्दी लॉकर की चाबी ले लो, फिर हमें लाइब्रेरी भी जाना है। ऐसा कहकर लो वहाँ से दो चाबी जल्द में उठाती है, एक लवलेस को देती है और दूसरी खुद रख लेती है, फिर कहती है, चलो जल्दी लवलेस। हाँ कहकर लोगों के पीछे जाने लगता है। साव भी जो चाबी लेने वाली थी वो चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है फई के साथ। अब दोनों एक साथ लॉकर रूम में पहुँच जाते हैं और एक साथ अपना अपना लॉकर देखने लगते हैं। सभी लॉकर में एक नंबर लिखा हुआ था जो कि चाबी में भी लिखा था, अब जिससे सभी को आसानी से वो लॉकर मिल जा रहा था, लॉकर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अब फई और साव को अपना अपना लॉकर मिल जाता है। फई के लॉकर का नंबर था 5 और साव के लॉकर का नंबर था 7। अभी दोनों ही अपना अपना लॉकर खोलते हैं और उसमें अपने सामान रख देते हैं। वो लॉकर छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं थी। साओ उस लॉकर में एक छोटा सा की चैन रखती है जिस पर एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन था, उस पर एक माँ अपने बेटे से, मतलब अपने छोटे से बच्चे से प्यार कर रही थी, ऐसा डिजाइन था। अभी साओ उस की चैन को लॉकर में रख देती है, फिर साओ और फई एक साथ उस लॉकर रूम से निकल जाते हैं। पर साओ मतलब जैसे ही उन लोग निकल रहे थे, साव और फई इन लोग ऐसे ही निकल रहे थे, दोनों निकल ही रहे थे, तभी सामने से लू और लवलेस आ रहे थे। और अभी फई लवलेस को क्रॉस करके जाता है, पर फई लवलेस को देखा जा रहा था और साव लू को क्रॉस करके जाती है, पर दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख। अब साओ और फई लॉकर रूम के बाहर और लवलेस और लू लॉकर रूम के अंदर। अब लवलेस अपने लॉकर के पास जाता है और उसे खोलकर अपने सामने रखता है, मतलब अपना सामान रख देता है। लू भी अपना लॉकर खोलती है और उस पर वो अपना सामान रखने ही वाली थी कि लू देखती है उसके लॉकर में कुछ रखा हुआ है। लू हैरानी से लॉकर से उस चीज़ को बाहर निकालती है। लू जैसे ही उस चीज़ को निकालती है, लू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये चीज़ और कुछ नहीं बल्कि वही की चैन थी जो कुछ देर पहले साव ने अपने लॉकर में रखी थी। और अभी हमें दिखाया जाता है लॉकर का नंबर जो कि 7 ही था, मतलब हमारी लू ने जो चाबी ली थी उसी नंबर की चाबी साव के पास भी चली गई थी।
अब ग्लू उसकी चेन को अपने हाथों में रखती है, मुस्कुराती है और कहती है, ए लवलेस। अब लवलेस अपना लॉकर बंद करता है और बोलता है, हाँ लू। लू कहती है, देखो तो ये कितना प्यारा की चेन है। लवलेस उस की चेन को देखता है तो कहता है, हाँ है तो बहुत ही प्यारा, पर मैंने तो तुम्हारे पास कभी भी ऐसी की चेन नहीं देखी। लू कहती है, ये मेरी है भी नहीं। लवलेस हैरानी से, क्या अगर ये तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास कैसे आई? लू कहती है, मुझे भी नहीं पता, जब मैंने ये लॉकर खोला तो मुझे ये अंदर ही मिला। लवलेस कहता है, हाँ तो मतलब तुम्हें और किसी और को, मतलब जिसका ये की चैन है, दोनों को एक ही लॉकर के एक ही लॉकर मिल गया। लू कहती है, अरे ये क्या हो गया? अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है, मतलब हमारी लू और लवलेस को ही दिखाया जाता है, जो अभी उसी हॉल के पास आए थे जहाँ से इन लोगों ने वो चाबी ली थी। लू वहाँ जाकर कहती है, मुझे गलती से किसी और की लॉकर की चाबी मिल गई है, इस चाबी को रख कर मुझे दूसरी लॉकर की चाबी दे दी जाए। वो स्टाफ मेंबर हाँ कहता है, फिर कुछ चेक करता है, मतलब देखने लगता है। अब वो स्टाफ मेंबर कहता है, माफ़ करना पर एक भी लॉकर नहीं बचा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लू कहती है, क्या पर मुझे जो लॉकर मिली है की चाबी मिली है वो तो किसी और की है, अब मैं क्या करूँ? लवलेस कहता है, अब चलो क्या कर सकते हैं। अब सीन कट होता है, हमें लू को ही दिखाया जाता है जो अभी वापस लॉकर रूम में आ गई थी। लू उस लॉकर रूम से उस लॉकर के एक टेडी रखती है, मतलब उस लॉकर में एक टेडी रखती है और एक नोट रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सभी बच्चे एक साथ निकल रहे थे, लू और लवलेस एक साथ, साओ और फई एक साथ, और साथ ही यहाँ से हमारी साओ की मिस कियान भी जा रही थी। साओ कियान को देखते ही कियान जिस साइड जा रही थी उसी साइड जाने लगती है, फई साओ को अपनी ओर खींचते हुए, अरे ओ एक तरफा प्रेमिका कहाँ जा रही हो, चलो घर जाना है। और तभी यहाँ से लवलेस और लुओ जा रहे थे, फई के ठीक सामने से लवलेस गया था और लवलेस के जाते ही फई जैसे रुक सा गया हो, फई लवलेस को देखा ही जा रहा था, मतलब वो देखने ही लग गया था। साओ फई को देख के, अरे तुझे क्या हुआ? फई, नहीं तो साओ, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम आज हॉल में भी इसके सामने बहुत शांत थे, क्या बात है? फई, अरे कुछ नहीं। चलो अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है, हमें सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो जाते हैं, मतलब आते रहते हैं और अभी एक साथ स्कूल के अंदर जा रहे थे, और एंट्री में हमारी मिस कियान, प्रिंसिपल चौंग, बाकी के सर मैम और हमारे लुओ लवलेस और साओ फई भी जा रहे थे। अभी साओ और फई एक साथ लॉकर रूम में जाते हैं, फई अपने लॉकर को खोलता है और उसमें अपने सामान रखता है। अब साओ भी अपना लॉकर खोलती है तो वो देखती है उसके लॉकर में एक प्यारा सा टेडी रखा हुआ है, साथ ही एक नोट भी। साओ उस टेडी और नोट को बाहर निकालती है, नोट में लिखा हुआ था, हे ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, शायद गलती से तुम्हारे लॉकर की चाबी मुझे मिल गई है, और जब मैंने कल ये लॉकर खोला तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी की चैन मिली, मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसे अपने पास ही रख ली। जानती हूँ ये गलत है कि किसी की भी मंजूरी के बिना किसी के सामान को लेना वैध होता है, पर क्या करूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने रख लिया, पर हाँ ये प्यारा सा टेडी तुम्हारे लिए, तुम ये समझ लेना ये एक्सचेंज गिफ्ट है। सौ उस नोट की रीड करती है, मतलब उस नोट को पढ़ती है, फिर से टेडी को देखती है, मुस्कुराती है, फिर नोट को देखती है, नोट में साइड में ही लिखा हुआ था, अरे आगे भी है सुन तो लो।
सौ उस नोट को पलट देती है, मतलब सीधा था तो उसको पलट देती है। नोट के दूसरी साइड लिखा हुआ था, अब तुम सोचोगी कि ये कैसे हो सकता है, एक ही लॉकर की चाबी दो लोगों के पास कैसे हो सकती है। पर मैंने कल ही चेक कर लिया, कोई और लॉकर बचा ही नहीं, और मुझे भी एक लॉकर चाहिए था, तो क्यों ना हम इस लॉकर को आधा आधा रख ले। साइड में एक इमोजी बना हुआ था। और साओ ये सब पढ़ लेती है, मतलब रीड कर लेती है, हैरान थी, मतलब वो ये सब पढ़ के रीड करके वो हैरान थी, ये क्या था। अब साओ फई को आवाज़ देती है, फई सुनो। फई बोलता है, हाँ क्या हुआ। साओ बोलती है, ये देखो मेरे लॉकर की चाबी किसी और को भी मिल गई है, मतलब किसी और के भी पास है, और जो भी बात है वो उसको बता देती है। फई बोलता है, अब क्या करोगी, क्या तुम अपना लॉकर उसके साथ शेयर करोगी। साओ बोलती है, हाँ कर लेती हूँ, वैसे भी मैं इस लॉकर में कोई हीरे मोती तो नहीं रखने वाली ना। कि वो लेकर चली जाए। फई, क्या लेकर चली जाए, मतलब ये लड़की है। साओ, हाँ मुझे तो यही लग रहा है। फई, ओ। अब साओ बोलती है, हम इसे जवाब तो देना होगा। अब साओ भी एक नोट लिखती है और उसे लॉकर में रख कर फई के साथ चली जाती है। अब सीन कट होता है, हमें क्लास दिखाया जाता है जो अभी शुरू ही हुई थी। सभी बच्चे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और हमारे साओ और फई ये दोनों हमेशा ही एक ही सीट पर बैठते हैं। अब एंट्री होती है मिस कियान की, और मिस कियान को देखते ही हमारे साओ की जो दिल है ना उसमें कुछ कुछ होने लगता है। अब हमारी मिस कियान क्लास स्टार्ट करती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है और सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें क्लास में, मतलब हमें बताया जाता है कि क्लास में अचानक ही तीन लोगों की एंट्री होती है। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रिंसिपल चोंग। प्रिंसिपल कहते हैं, हेलो बच्चों, मैं तुम सभी को तुम्हारे न्यू क्लासमेट से मिलवाना चाहता हूँ। ये रहे लवलेस और कियान लो हन। अब हमें लो और लवलेस को दिखाया जाता है जो अभी क्लास में ठीक कियान और चौंग के बीच खड़े थे। दोनों के ही होठों पर मुस्कान थी। अब प्रिंसिपल कहते हैं, बच्चों तुम सब इन्हें नहीं जानते होंगे, ये दोनों इंजीनियर की स्टडी कर रहे थे। इंजीनियर की मैं भी ना, मेरी जबानी थी खराब है कि स्टडी कर रहे थे, और आप सभी तो आर्ट की स्टडी कर रहे हो। लू और लवलेस अब इंजीनियर नहीं करना चाहते, इसलिए ये दोनों अब आर्ट की स्टडी यहाँ करेंगे। मैं आशा करता हूँ तुम सब इन दोनों का साथ दोगे। अब हमारे लू और लवलेस सभी बच्चों को ग्रीट करते हैं, अपना अपना इंट्रोड्यूस देते हैं। अब चोंग यहाँ से चले जाते हैं और लू और लवलेस जाकर सीट पर बैठते हैं। लू और लवलेस को ठीक सामने, मतलब साओ और फई के बगल वाली ही सीट मिली थी। हमारा फई लवलेस को ठीक अपने बगल वाली सीट पर देख के ही, फई बस लवलेस को ही देखा जा रहा था। अब हमारी मिस कियान क्लास फिर से शुरू कर देती है और सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अब सीन कट होता है, क्लास कंप्लीट हो गई थी। अब हमें लू और लवलेस को दिखाया जाता है जो अभी लाइब्रेरी आए थे और लवलेस आर्ट के लिए, मतलब लवलेस आर्ट के लिए जो बुक खोजने लगता है। अब हमारे लवलेस और लू लाइब्रेरी में एक एक बुक को देख रहे थे, लाइक इस जगह पर जो बैठा होता है ना, जो बताता है कि कौन सी बुक कहाँ पर है, वो नहीं था, तो इसलिए उन लोग खोज रहे थे खुद से कि कहाँ है करके, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता है, लाइब्रेरी बड़ी सी थी तो लोग आसानी से खोज नहीं पा रहे थे। फिर उन लोग एक एक उन लोग देखने लगते हैं कि कहाँ है, किस जगह पे है करके उन लोग देखने लगते हैं। हमें लाइब्रेरी के एंट्री साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा फई
थोड़ा सा छिपकर खड़ा था और वो हमारे लवलेस को देखा जा रहा था। फई के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मतलब प्यारी सी स्माइल थी। अब मुस्कान और प्यारी सी स्माइल एक ही तो होता है, अभी क्या। अब हमारी लुओ को वो आर्ट वाली बुक मिल जाती है। मिलते ही लुओ कहती है, हाँ ये रही, चलो अब इसे बैठकर पढ़ते हैं। लवलेस कहता है, हाँ लेकिन पहले चलो हम कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। लुओ कहती है, हमें मतलब तुमने आज भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना। लवलेस, अरे मेरी माँ मुझ पर गुस्सा बाद में करना, पहले कैंटीन चलो। अब लुओ और लवलेस लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और इन दोनों के बाहर निकलते हुए देखते ही हमारा फई तुरंत वहाँ से जाने लग जाता है। अब सीन कट होता है, हमें साव को दिखाया जाता है जिसके पास अभी फई आया था और हमारी साव अभी कैंटीन में बैठे कर लेमन राइस ही खा रही थी। फई बहुत जल्दबाजी में आया था। साव कहती है, अरे फई तुम्हें क्या हुआ, इतने जल्दबाजी में क्यों लग रहे हो। फई साव के पास वाले बेंच पर बैठकर पानी पीते हुए, कुछ नहीं साव, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। फई तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। फई, नहीं तुम ज़्यादा मत सोचो। साव, अच्छा बेटा मुझे सिखा रहे हो। अब फिर कट होता है, हमें लू और लवलेस को दिखाया जाता है जो अभी ठीक लॉकर रूम के सामने से, मतलब पास से ही जा रहे थे। अब कैंटीन जो जा ही रहे थे, लू अचानक ही रुक जाती है और लॉकर रूम में देखने लगती है। फिर हमारा लवलेस जो है वो बोलता है, क्या हुआ चलो ना। लू कहती है, अरे दम्बो इस बुक को वहाँ लेकर थोड़ी ना जाएंगे, पहले चलो इस बुक को मैं अपने लॉकर में रख देती हूँ, फिर हम कैंटीन जाएंगे। लवलेस बोलते हैं, ठीक है तुम इसे ना लॉकर में रखो और मैं जाकर अपना हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। लू कहती है, ठीक है। अब लवलेस से देख कैंटीन की ओर जाता है और हमारी लुओ लॉकर रूम के अंदर। अब लुओ लॉकर को खोलती है, जैसे ही खोलती है उसे एक नोट मिलता है। लुओ उसे अपने हाथ में लेती है और उसमें लिखा हुआ था, हे आखिर तुम्हें मेरे ही लॉकर की डबल चाबी कैसे मिल गई और तुमने मेरी किचन रख ली। मन तो कर रहा है मैं तुम्हारा, खैर जाने दो, पर तुमने किचन भले ही ले लिया हो पर ये प्यारा सा तैदी तो रख दिया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं अपना लॉकर तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ इस बात का फ़ायदा मत उठाना ठीक है। लो ये पढ़ती है और मुस्कराने लग जाती है। अब लू भी एक नोट्स रखती है, मतलब साथ ही वो उस मतलब नोट रख देती उसके लिए और वो जो आर्ट वाली बुक थी वही रख देती है और वहाँ से चली जाती है। और हाँ एक बात क्लियर कर दूँ, इन दोनों ने ही ना तो अपना नाम बताया है और ना ही एक दूसरे से पूछा है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, हमें लवलेस को दिखाया जाता है जो अभी कैंटीन में जहाँ से खाना लेते हैं वहाँ खा रहा था। लवलेस अपने और लुओ के लिए कुछ खाने के लिए ले रहा था। अब यहाँ लुओ आ जाती है, लवलेस से पूछती है, क्या ले रहे हो। वो बोलता है, वही तो समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। लुओ कहती है, उसमें क्या है, मेरे लिए वेज पुलाव और तुम जो खाना चाहो वो। अब लवलेस लू के लिए वेज पुलाव ले लेता है और अपने लिए करी चावल। अब ये दोनों टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपना अपना खाना खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें साव को दिखाया जाता है जो भी लॉकर में आई थी। जब वो लॉकर को खोलती है तो देखती है उसके एक बुक रखी हुई थी, मतलब लॉकर में एक बुक रखी हुई थी। साव उस बुक को बाहर निकलती है और वो देखती है, ये तो आर्ट की बुक है। अब अंदर एक नोट रखी हुई थी, साव उस नोट को देखने लगती है। नोट में लिखा हुआ था, आहा फाइनली तुम मेरे साथ अपना लॉकर शेयर करने के लिए तैयार हो गई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं तो परेशान हो गई थी, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। थैंक यू, अच्छा हाँ मैंने ना इस स्कूल में अभी आर्ट की
क्लास ले रही हूँ। तुम कौन सी क्लास में हो? हाँ, मैंने जस्ट अभी ही ज्वाइन किया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। साओ उस नोट को पढ़ती है, फिर उस आत वाली बुक को देखने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें साओ को ही दिखाया जाता है जो अभी लाइब्रेरी आई थी। साओ सीधे लाइब्रेरी में जाकर जो बैठा होता है ना उसके पास जाती है, उसके थोड़ी देर बात करती है, उससे थोड़ी देर बात करती है। अब साओ थोड़ा आगे जाती है, वहाँ से एक बुक निकालती है, फिर से लॉकर रूम में जाती है। लुओ ने जो बुक रखी थी उसके बदले अपने साथ अपने जो उसने जो बुक लाया था वो उसे रखती है, फिर साथ ही एक नोट भी रख देती है। अब सीन कट होता है, हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास शुरू हो गई थी और सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। और हमेशा की तरह हमारी साओ और फई एक साथ बैठे थे और लुओ और लवलीस एक साथ बैठे थे। अब क्लास कंप्लीट हो जाती है और ये लोग अब क्लास से बाहर जाते हैं। जब हमारे लुओ और लवलीस क्लास से बाहर जा रहे थे तभी ही साओ और फई भी जा रहे थे। अब इसी वक्त पर इन चारों की एक साथ एक दूसरे पर नज़र जाती है, फई की लवलीस पर, और हमारा फई तो लवलीस को देखा ही जा रहा था, और हमारी साओ की नज़र लुओ पर जाती है। जब साओ की नज़र लुओ पर जाती है तो लुओ की ठीक पीछे हमारी क्यान मिस जा रही थी। साओ मिस क्यान को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, पर इसी वक्त पर हमारी लुओ की भी नज़र जाती है साओ पर, और साओ की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लुओ साओ को देखने लग जाती है। लुओ तो जैसे रुक सी गई हो साओ को देख के। लुओ बस साओ की मुस्कान ही देखी जा रही थी। अब फई इधर से साओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर जाने लगता है, और वही लवलेस भी लुओ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। एक तरफ साओ मिस क्यान को देखकर प्यारी सी मुस्कान दे रही थी, वही साओ की प्यारी सी मुस्कान देखकर लुओ सिर्फ साओ को ही देखी जा रही थी। अब लवलेस लुओ को थोड़ा दूर ले जाने के बाद कहता है, लुओ तुमने वो आर्थ वाली बुक लॉकर में रखी थी ना, चलो उसे बाहर निकालो, हम दोनों को उसे पढ़नी भी तो है ना। लुओ हाँ कहती है। अब सीन कट होता है, हमारे लुओ और लवलेस लॉकर में आए थे। लवलेस अपने लॉकर में कुछ रख देख रहा था, मतलब वो अपना लॉकर रूम को देख रहा था, और लुओ ने अभी अपना लॉकर खोला था। वो उस बुक को निकालती है, वही एक नोट भी रखी हुई थी। लुओ उस नोट को बाहर निकालती है, नोट में लिखा हुआ था, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आर्ट की स्टडी कर रही हो, पर तुमने जो बुक ली है उसे अच्छी बुक ये है, ये बुक तुम्हें हेल्प करेंगी आर्ट को अच्छे से समझने में। अभी लुओ अपने हाथ में रखी बुक को देखती है, बुक चेंज थी। लुओ बुक को देखकर मुस्कुराती है, फिर से नोट को देखती है, आगे लिखा हुआ था, जो तुमने बुक रखी थी उसे मैंने लाइब्रेरी में वापस रख दी है, अपना बेस्ट देना, ऑल द बेस्ट। अब लुओ भी एक नोट रख देती है और बुक लेकर लवलीस के साथ चली जाती है। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, हमारी लुओ और साओ जो भी नोट लिख रही है उन लोग वो नोट को अपने पास रख रही है, मतलब जैसे कि साओ का नोट, साओ के द्वारा लिखा हुआ नोट हमारी लुओ रखेंगी अपने पास, और लुओ के द्वारा लिखा गया नोट हमारी साओ अपने पास रख रही है, उन लोग उसी लॉकर में नहीं छोड़ रहे हैं। अब सीन कट होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मतलब छुट्टी हो चुकी थी, अब सब एक एक करके अपने घर की ओर निकल जाती हैं। अब सीन कट होता है, हमें साओ को दिखाया जाता है जो अभी अपने हॉस्टल रूम में थी। यह एक हॉस्टल है जहाँ दो सेक्शन थे, सेक्शन ए प्लस बी। सेक्शन ए में लड़कियाँ रहती थी और सेक्शन बी में लड़के रहते थे। अभी हमें साओ को दिखाया जाता है जो अभी रूम में बैठी लॉकर के बारे में सोच रही थी।
असल में हमारी सौ नोस के बारे में सोच रही थी। अब हमारी सौ अपने कबत के पास जाती है और उसे खोलकर उसने उसके अंदर लोगों के नोट्स रखे थे। सौ उन्हें फिर से पढ़ रही थी। फर्स्ट टाइम हमारी सौ क्यान मिस के बारे में नहीं बल्कि एक अनजान नोट्स के बारे में सोच रही थी। अब सीन कट होता है, हमें हमारी लोगों को दिखाया जाता है जो अभी अपने घर पर थी। लो अभी अपने बिस्तर पर बैठी थी और लो के साथ अभी लवलेस था जो, और ये दोनों ही अभी उस बुक से आर्ट सीख रहे थे, मतलब कि जो आर्ट वाली बुक है उससे उन लोग आर्ट सीख रहे थे। अब इन लोग स्टडी कर रहे थे। हमारा लवलेस तो पूरी लगन के साथ स्टडी कर रहा था पर शायद हमारे लोगों का दिल नहीं लग रहा था। हमारे लोगों तो बस उस प्यारी सी मुस्कान के बारे में सोच रही थी। मतलब हमारी साव के बारे में लोगों तो बस साव की स्माइल ही सोची जा रही थी। साव की आंखें, साव के होठ, साव जब मुस्कुरा रही थी तो उसके गालों पर डिम्पल। लू साव की फेस की हर बारीकी को याद कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अभी लवलेस लू की ओर अपना हाथ ले जाता है स्टडी करते हुए ही और लू को हिलाते हुए। लू क्या कर रही हो, चलो जल्दी पढ़ते हैं फिर कल हमें इसे वापस करना है। लू हाँ कहती है और हमारे लू और लवलेस पढ़ने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारे फई को दिखाया जाता है। फई भी हाई स्कूल के हॉस्टल में ही रहता है। फिर अब फई अपने रूम में अभी अपने बेड पर था। फई ऊपर छत की ओर देखा जा रहा था, लाइक सीलिंग पे ओर देखा जा रहा था और लवलेस को याद किया जा रहा था। फई के तो जैसे होश हवास खो गए होते। फई बस लवलेस के बारे में ही सोचा जा रहा था। लवलेस का इतना बेबाक होना, झगड़ा करना, गुस्से में भी अपनी दोस्त के एक बार कहने पर शांत हो जाना, फई ये सब याद कर रहा था और उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अब सीन कट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट हो चुका था और सारे बच्चे स्कूल में एंट्री ले रहे थे। हमारे साव और फई तो एक साथ सही टाइम पर आ गए थे क्योंकि ये दोनों ही स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। पर हमारे लू और लवलेस तो अपने घर में रहते थे और दोनों का ही घर दूर था और दोनों ही अभी भागते हुए स्कूल की एंट्री में आ रहे थे। अभी इधर सारे बच्चे जो अंदर जा रहे थे और साथ ही यहाँ से प्रिंसिपल चौंग, मिस क्यान और सारे टीचर्स अंदर जा रहे थे और हमारे लू और लवलेस जल्दी जल्दी आ रहे थे। अब जैसा कि अक्सर भागम भाग में भागने वाला पर्सन किसी से टकरा जाता है, यह भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे लू एक तरफ जो भागते हुए आ रही थी, एक तरफ साव और फई साथ ही अंदर जा रहे थे और लू और लवलेस जो भागते हुए आ रहे थे। अभी हमारी लू भागते हुए सीधे ही टकरा जाती है और टकराते ही सीधे नीचे गिर जाती है। अभी अचानक ही साव चलाती है मिस क्यान और भागने लगती है। हमारी लू क्यान मिस पर ही, मतलब हमारी लू जो है वो हमारी मिस क्यान से ही टकरा गई थी। साव भागते हुए आती है, लू को साइड करके मिस क्यान को उठाती है, उन्हें पूछने लगती है मिस आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी, आप ठीक है ना मिस क्यान। मिस क्यान कहती है हाँ साव मैं ठीक हूँ। अभी साव लू की ओर देखती है और लू से कहने लगती है तुम कर क्या रही थी, बची हो क्या, भागते हुए क्यों आ रही थी, अगर मिस को चोट लग जाती तो। साव अभी लू पर बहुत गुस्सा कर रही थी और हमारी लू तो बस साव को देखी ही जा रही थी। साव का गुस्सा उसी की बातें, लू की नज़र तो जैसे साव पर रुक ही गई थी। अभी मिस क्यान कहती है साव इतनी फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। फई भी आ जाता है और साव को वहाँ से ले जाने लगता है।
क्लास के लिए और यह हमारी लू वैसे ही बैठी हुई थी, साव और फई के जाते हुए देख रही थी। अभी यहाँ लवलेस आता है और लू को उठाकर पूछता है, तुम ठीक हो? लू तो कुछ कहने को तैयार ही नहीं थी, बस साव को देखी जा रही थी। और यह हमारी साव जो गुस्सा करते हुए जा रही थी और हमारा फई साव को शांत कर रहा था। साव कहती है, अरे यार देखा ना, बच्चों जैसे दौड़ के आ रही थी, अगर मिस को चोट लग जाती तो? फई कहता है, अरे एक तरफा महबूबा, बस भी करो, तुम्हारी मिस ज्ञान ठीक है, चलो अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, चलो। साव फई की ओर देखती है, फिर उसके साथ जाने लगती है। और अब सीन कट होता है, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और सारे बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे, पर आज कुछ गड़बड़ हो गई थी। फई और साव तो एक साथ ही बैठे थे और लू और लवलेस एक साथ बैठे थे, पर जैसा कि हमेशा ही सबसे पहले क्लास स्टार्ट मिस कियान करती थी, आज उन्होंने नहीं की, किसी और ने क्लास स्टार्ट किए था। सारे बच्चे तो नॉर्मल पढ़ रहे थे, पर हमारी साव का मन ही नहीं लग रहा था। साव मिस कियान को क्लास में ना पाकर गुस्से में थी और साव और फई की सीट थे, तो सीट आगे हमारे लुओ और लवलेस बैठे थे। हमारी साव तो लुओ को देखकर गुस्सा कर रही थी, वहीं हमारा फई जो लवलेस को देख पा रहा था वो बड़े ही प्यार से देखा जा रहा था। अब क्लास ख़त्म हो जाती है और अब हमें लॉकर रूम को दिखाया जाता है, मतलब लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारे साव और फई दोनों ही लॉकर रूम में आए थे। फई अपने लॉकर को खोलकर अपने सामान रख देता है और हमारे साव भी अपना लॉकर खोल रही थी अपना सामान रखने के लिए, तभी वो अंदर नोट देख लेती है। साव उस नोट को बाहर निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। हमारे लुओ ने साव को बुक के लिए थैंक यू कहा था और साथ ही लुओ ने एक प्यारा सा बिल्कुल ही छोटा सा इमोजी वाला एक टेडी था जिसके छोटे छोटे पैर लटक रहे थे, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमारी साव ऐसे तो गुस्से में थी पर उस टेडी को देखते ही मुस्कुराने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे लुओ और लवलेस दोनों ही अपना खाना खा रहे थे। और अभी लवलेस लुओ से कहता है, मतलब लुओ तुम्हें हो क्या गया था, तुम उस लड़की को इतना क्यों देख रही थी? लुओ कहती है, हाँ लगता है प्यार हो गया यार, वो लड़की दिमाग से जा ही नहीं रही। लवलेस ने अपने खाने का बाइट ही लिया था लुओ की बात सुनते ही तुरंत बाहर और लवलेस खाँसते हुए, क्या एक बार ही तो तुमने उसे देखा और तुम्हें प्यार हो गया? लुओ कहती है, नहीं मैंने कल भी उसे देखा था और वो जिस तरह से मुस्करा रही थी, उसकी आंखें, उसके गालों के डिंपल, मैं खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही। लवलेस अपना खाना खाते हुए ही कहता है, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे साव और फई को दिखाया जाता है जो अभी कैंटीन में जहाँ से खाना लिया जाता है वही खड़े थे और अपनी अपनी डिश बता रहे थे कि उन्हें क्या खाना है। अब दोनों ही अपना अपना खाना ले लेते हैं और जाने लगते हैं। जब दोनों ही जा रहे थे तभी हमारी लुओ की नज़र हमारी साव पर जाती है और हमारी फई की नज़र लवलेस पर। फई जो लवलेस को देखा जा रहा था और हमारे लुओ जो साव को देखी जा रही थी और हमारी साव जिसकी नज़रें अभी कहीं और थी, मतलब हमारी साव मिस कियान को देखी जा रही थी जो वहीं से जा रही थी और हमारा लवलेस शायद फुकर है, उसे तो सिर्फ अपना खाना ही नज़र आ रहा था और वो
खाया ही जा रहा था। अभी हमारे साव और फई दोनों ही टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। अब हमारे लू और लवलेस खा चुके थे, दोनों ही एक साथ उठते हैं और जाने लगते हैं। जब दोनों ही जा रहे थे तभी दोनों साव और फई के टेबल के पास से ही जाने लगते हैं। हमारे लू और लवलेस गलती से फई और साव के टेबल से टकरा जाते हैं और टकराने के कारण जो खाना था वो सीधे नीचे। बेचारे फई का तो पेट भी नहीं भरा था और हमारी साव ने एक निवाला अपने हाथों पर ही रखा था और सारा खाना नीचे। देखकर अब साव को गुस्सा आ रहा था। साव उठ जाती है, गुस्सा करने ही वाली थी कि हमारे लुओ और लवलेस दोनों ही हमारे साव और फई से माफ़ी मांगने लगते हैं। फई तो लवलेस को देखकर चुप हो जाता है पर हमारी साव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सीधे ही साव मतलब हमारी साव सीधे ही लुओ से लड़ पड़ती है। साव लुओ से कहती है, हाँ मैं सोचूं आखिर ये कौन है जिसे इतनी बड़ी खाने की टेबल नहीं दिखी। आज मॉर्निंग में भी तुम बिना देखे क्या से टकरा गई थी और अब मेरी ही खाने की टेबल से तुम्हें। तो मैं लुओ साव से माफ़ी मांगती है और कहती है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इधर लवलेस भी फई से माफ़ी मांगता है। लवलेस कहता है, माफ़ करना, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैं देख नहीं पाया और तुम्हारा खाना गिर गया। लवलेस तो फई से माफ़ी मांग रहा था पर फई तो सिर्फ लवलेस को ही देखा जा रहा था। और इधर लो भी साव से माफ़ी मांग रही थी। अब लवलेस ध्यान देता है कि फई तो कुछ नहीं कह रहा तो वो उसे हिलाता है कि क्या हुआ और कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ बोलो तुम। फई अभी होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कुछ और लेकर खा लेता हूँ। इस पर हमारा लवलेस कहता है, अरे नहीं मेरी गलती है, तुम्हारा खाना गिर रहा है, मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। इधर वो भी साव से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए ला देती हूँ कुछ और खाने के लिए, प्लीज़ गुस्सा मत करो। अब तभी हमारा फई साव से कहता है, साव जाने भी दो ना, इतना गुस्सा मत करो, और लोगों को माफ़ करने को कहता है। साव मान जाती है। अब लवलेस फई से कहता है, ठीक है मेरे साथ चलो, हम कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए। फई हाँ कहता है और दोनों ही चले जाते हैं। और यहाँ हमारे लू और साव दोनों ही टेबल पर बैठ गए थे। हमारे साव तो यहाँ वहाँ देखे रही थी पर हमारी लू की नज़रें सिर्फ हमारी साव पर थी। अब हमें हमारे लवलेस और फई को दिखाया जाता है जो अभी खाना ही ले रहे थे। अब जब तक केक खाना आ रहा था, हमारा लवलेस जो चुप रहने वालों में से नहीं था, लवलेस फई से बातें करने लगता है। लवलेस फई से उसका नाम पूछता है और बहुत सारी बातें करता है। फई तो लवलेस को देखता ही रहता है और बातें करता रहता है। अब खाना आ जाता है और दोनों ही खाना ले लेते हैं और यहाँ से लोअर साव के बैठे थे वही जाने लगते हैं। अब दोनों वहाँ चले जाते हैं और फई और साव दोनों ही खाने लगते हैं और हमारे लू और लवलेस वही बैठे रहते हैं। लवलेस तो जाना चाहता था पर लू रोक लेती है। और यहाँ साव को लू देख रही थी और लवलेस को हमारा फई देख रहा था। अब इन लोगों का खा के हो जाता है। एक बार फिर लू साव से माफ़ी मांगती है और लवलेस फई से माफ़ी मांगता है पर हमारा फई लवलेस को माफ़ करने से मना कर देता है। लवलेस कहता है, क्या अब क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अब सोचो हमारा फई ऐसा क्या चाहता है, मतलब क्या कहने वाला है फई लवलेस से कि उसको माफ़ कैसे करेगा, क्या होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार तो करूंगी ना, आप सभी इंतज़ार है तो प्लीज़। हाँ।
ना कुछ तो कहिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा। मतलब फर्स्ट एपिसोड है तो कुछ आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, फिर भी एक छोटा मोटा बता दीजिएगा कि आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करोगे कि नहीं करोगे। लाइक मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तो ज़रूर लाऊंगी क्योंकि ये मैंने अपनी फेवरेट एवेंजर वर्ल्ड के लिए लाया है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ आप सभी भी बताएं कि आपको ये कैसा लगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।